या वीरू इन बिग बॉस पूरा अपने आप को नेटी बता रहा है, तो ये नेटी वेटी कुछ नहीं है भाई, ये मार्केटिंग गिमिक है अपने आप को ऊपर लाने के लिए। मैंने सुनी बहुत मोटे मोटे पैसे दे रहे लोग भाई, लड़कों ने पैसे दे दिए, किसी ने 90 लाख, किसी ने 80 लाख। मेरी तरफ से जो इंडिया में प्रो शो जीतेगा इंडियन मेंस फिजिक में स्पेशली, उसको मेरे ब्रांड की तरफ से 50,000 रुपीज। बस एक्स्ट्रा डोज दे, दिक्कत दी आपको थोड़ी सी? हाँ, कभी लिया नहीं इतना सामान, पहली बार इतना सामान लेने पे हार्मोन से यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं रूपल धनखड़, आप देख रहे हैं एक और नया व्लॉग। आज के व्लॉग में बहुत सारी मस्ती होने वाली है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए कपिल के नए जिम में, और वहां पे राजवीर और मैं और कपिल तीनों करेंगे वर्कआउट। उससे पहले बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए वाटर इनटेक जरूर करें, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, जैसे मैं 2-3 दिन तो वेज खाता हूँ, तो मैं लेता हूँ अवतार का आइसो रिच। तो ये 100% वेजिटेरियन है, जेन्युइन है, डायरेक्ट कंपनी से आपके घर तक आएगा, और इस पे डिस्काउंट भी है अगर आप कोड यूज करेंगे रूबल अवतार, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दूसरा भाई, ये सर्टिफाइड है हर तरीके से, और ये बहुत ही पुराना ब्रांड है जो इंडिया में ट्रस्टेड काम कर रहा है बहुत सालों से। इन हाउस सारी चीजें, डब्बे के अंदर जो स्कूप मिलता है, प्रोटीन बॉक्स, सब कुछ इन हाउस एक ही प्लान में। तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और इसे आइसोरिस को अपनी डाइट में ऐड कर लो। अब मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए कपिल के जिम में, और वहां पे करते हैं मस्ती। अभी हम आए थे कपिल भाई के तीसरे जिम की ओपनिंग में, और कपिल ने ये प्रॉमिस किया है कि भाई इस साल के एंड तक 10 जिम की ब्रांच हो जाएंगी। उससे पहले तो भाई कोशिश है भाई, भगवान का आशीर्वाद है, तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये भाई ने गलत बोला कि ओपनिंग में आया। नहीं नहीं, ओपनिंग हुई थी। हाँ, मैं ओपनिंग में नहीं आया, मैं तो बाहर था ना उस दिन। हाँ, उस दिन बाहर थे। कहाँ था ना? मुंबई आया था। हाँ, मुंबई। मुंबई क्यों गया था? अभी वो एक और आदमी आ रहा है, वो बताएगा क्यों गए थे मुंबई। तो भाई बहुत बढ़िया जिम बनाया हुआ, अभी तीसरे की ओपनिंग है, ओपनिंग हुई है, और बच्चे आने शुरू हो गए हैं। 170 बच्चे इनके पास आ रहे हैं अभी भी। ये आरकेपुरम पड़ जाता है। आरकेपुरम, हाँ, मेन नाम मोहम्मदपुर आ जाता है। एथलीट होते हुए ये काम करना बहुत जरूरी है, ताकि एथलीट की जिंदगी है ना वो वाली है, बॉलीवुड में जैसे हीरोइन नहीं होती। जब कुछ, तक कुछ दिन चले बस, जब तक आप यंग हो, जब तक आपका जब तक आपको पूछेंगे उसके बाद वरना दूर से सलाम है। एक खुद करेंगे, रूबल भाई तो है ही साथ में। अरे हम तो एक और आ रहा है साथ में भाई, एक और आ रहा है छोटू भैया। हाँ। शाम को 8 बजे से कह रहा कि अभी पहुंच रहा हूँ 30 मिनट में, अभी पहुंच रहा हूँ 30 मिनट में, 11 बजा दिए। पहले तो मैं गया मुंबई, फिर भाई रह आया एक हफ्ता, अब ये बैचलर है इसलिए एक हफ्ता रह आया। आपसे पहले मैं गया था शायद, नहीं मुझसे पहले तुम गए, फिर बीच में मैं गया, फिर भाई गए, तू भी जा लिया, फिर गए। बैचलर का क्या लेना देना एक हफ्ते से, तुम मतलब अपना काम करके एक दिन में भाग गया है, मैं सेवा करके आया हूँ दुनिया की। हाँ, तो वो बैचलर ही है ना, इसे भी करके आया ना सेवा, हमें बच्चे भी तो पालने पड़े ना। पर सेवा भी करी, लेकिन वो लड़का बच्चा भी ना बेचारा। अच्छा, नहीं बचाओ आज। अच्छा, मुंबई का सीन था वो, मुंबई का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे क्यों जा रहे थे, तो भाई भाई बताएंगे। बिग बॉस के लिए, बिग बॉस, बिग बॉस के लिए जा रहे थे लोग सारे, और बिग बॉस में बहुत सारे भाई हमारे दिल्ली से हैं, 3-4 भाई, और मेरे पे वो भी लिस्ट है, और मैंने बिग बॉस में अंदर पूरा पक्का जुगाड़ कर लिया। रिवील नहीं करनी, पर यार रिवील नहीं करना, रिवील मत। 3-4 भाई हमारे उससे हैं, तो एक एक कमेंट करके बताओ भाई, अगर हम दोनों जाते हैं तो क्या तुम सपोर्ट करोगे? जय वीरू इन बिग बॉस, सपोर्ट 1000%। लेकिन अभी भाई ऐसी उम्मीद लगाना मत, क्योंकि बिग बॉस में हमारे जाने कोई सीन नहीं है, क्योंकि इस बार का जो OTT है उसको हमारे साथ। अच्छा, ये पूछ ही लेते हैं ना, क्या पब्लिक से पूछ लेते हैं, आ गया वो ओपनली आ गया, मतलब न्यूज में आ गया अनिल कपूर का, मैंने पहले बता दी ना। हाँ, तो जो OTT है इस बार का, वो सलमान भाई नहीं कर रहे हैं, होस्ट अनिल कपूर सर कर रहे हैं। अच्छा, अगर बिग बॉस में सलमान खान नहीं है, दैट मीन्स बिग बॉस सीजन जो भी सीजन है जाई सलमान की वजह से। और जो मेरी समझदारी तो ये कहती है कि किसी को अगर ऑफर भी मिल रहा है ना, तो वो नहीं जाए, क्योंकि आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे, आगे फिर मेन में नहीं जा पाओगे, मेन में नहीं जा पाएंगे ना। अब जैसे सपोज करो मैं जा रहा होता OTT में, और मुझे पता लग रहा होता, तो मेरा डिसीजन नहीं होता, मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं आगे जा सकता हूँ कलर्स वाले में या उस, तो इसीलिए भाई बहुत सारे लोग सलमान भाई होस्ट करेंगे और शो सुपर डुपर हिट होगा, इसमें चले जाएँ तो आगे फिर भाई अब तो OTT खेल चुके हो, तो आप पूरी जिंदगी के लिए जा सकते हो। तो हैं भाई, ठीक है, जो जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, और कुछ मैं मैंने सुनी बहुत मोटे मोटे पैसे दे रहे हैं लोग भाई, लड़कों ने पैसे दे दिए, किसी ने 90 लाख, किसी ने 80 लाख। भाई मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, अगर चीज और बता दूँ एक सेकंड, जिन लोगों को ये लगता हो ना बिग बॉस पैसे खा रहा है, भाई मैं पूरी एक हफ्ते में स्टडी करके आया हूँ, पूरी बिग बॉस से उन पैसों का कोई लेना देना नहीं, बीच के दल्ले खा, बीच वाले उन टीवी शो कभी भी कोई पैसा नहीं मांगता, बीच में कोई कास्टिंग एजेंसी वगैरह हो, कोई कहते हैं कि भाई पैसे दे दो हम तुम्हारा काम करा देंगे। अब पैसे उन्होंने ले लिए और काम भी करा दिया, और जो ये देख रहे हैं कि अब सलमान भाई नहीं कर रहे शो, हम नहीं करना चाहते, तो उनके लंगिया लग गई, उनकी लंगिया लग गई, वो पैसे मरेंगे। अबे 90 लाख का तो ब्याज खा लेता, क्या करेगा उसमें जाके, 90 लाख रुपए का 7% पे
6 लाख कितना हो गया? कितना ब्याज व्याज कितना हो गया? मैथमेटिक्स अंकल मैथमेटिक्स के टीचर है, बता। 1 करोड़ का 6% लगा लो ना मोटा, 1 करोड़ का 6 लाख हो गए, तो 6 लाख में थोड़े महीना 6% से अपने तो भाई ये बातें बातें होती रहेंगी, ठीक है, कभी हमारा नंबर लगा जे वीरू का सपोर्ट करना, ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं। अरे चाहे भाई जाए कोई दिक्कत ना, पूरा फुल सपोर्ट करना, ठीक है, लेट्स गो, लेट्स डू सम बैक वर्कआउट, ये तेज हो रहे हैं सुबह अपना वर्कआउट कर आए, इनका मन उतना है नहीं, नहीं भाई सुबह का कार्डियो किया है, बिकॉज़ आई एम प्रोफेशनल एथलीट, यू नो व्हाट, फिर झूठ बोल रहे हैं, कभी आए वर्कआउट सुबह करा है तेरी कसम नहीं करा, चलो फिर सुबह चलो परमानेंट करता हूं, थोड़ी बहुत खींचेंगे बैग बस, बच्चों की समर वेकेशन चल रही है तो उनके साथ करता हूं, कपिल भाई करवाएंगे आज बैग वर्कआउट, बहुत बढ़िया, 90 लाख की बात है ना, मैं किसी को 90 रुपए ना दूं, अब इन जैसे लोगों की वजह से ना सब ये सोचते हैं कि सब सारे शो फिक्स है, इंटरव्यू दिया था, फिल्म इंटरव्यू जरूरत नहीं पड़ी, फिल्म ना कर लेते यार 90 लाख रुपए में, देख 90 लाख यार 2-3 करोड़ के बजट में बढ़िया मूवी बन जाए, अपना खुद का हीरो बन जाए फिल्म, चल भाई थोड़ा कम कर, कम करो ना, इतना हैवी वर्कआउट मत कर, बिकॉज तेरा थोड़ी ना प्रोशो आ रहा है, अरे भाई भाई प्रोशो बहुत दिल से सलूट है, जितने एथलीट मेन स्ट्रीम के ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, 52 डिग्री टेम्परेचर था कल दिल्ली में, तो भाई मेरी तरफ से जो इंडिया में प्रो शो जीतेगा इंडियन मेंस फिजिक में स्पेशली, उसको मेरे ब्रांड की तरफ से 50,000 रुपीज इनाम, जो इंडिया में जीतेगा, इंडिया प्रो शो, इंडिया जब प्रो शो, हाँ इंडिया, तो यार बहुत मेहनत लगती है भाई, क्योंकि पिछले साल की गर्मी में याद है हम दोनों खेल रहे हैं जून में, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी भाई, इस टाइम तो भाई यार ये बुरा हाल हो रहा है, अभी देखो ना हमने एक सेट भी नहीं मारा, भाई के कितने पसीने आ गए, भाई में तो गर्मी है वैसे भी, शिलाजीत खा रहा है, हमें मतलब नहीं है गंदी चीजों से, चीजों पर आते 50,000 अच्छी बात है, क्या बता जाए तो दे दे, सही बात है भाई, हिम्मत पड़ जाती है अच्छे अच्छे प्लेयर की, तो भाई 4 सेट मारे उसके और 4 इसके, अब 4 इसके लम्हा ही मार लूं पहले, तेरे मारने एक बार मुझे सिखाओ तो सही, अब इस उम्र में बैंट वगैरह से लेता, इस उम्र में भी मार नहीं सिखाओ तुझे एक्सरसाइज, ये नॉर्मल हम ही सिखाएंगे मारने, टेंशन मत ले, चलो ऐसे रख लेना या हल्का से ये कर लेना, और खींचो पीछे, अच्छा बस पीछे खींचो पूरा, ये थाईलैंड जाना है तो पेट कम करना पड़ेगा, खींचते हुए ऊपर खींचो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये 5, 4, 3, 2, 1 थाईलैंड जाना तो पेट कम करना पड़ेगा, इस बात का क्या, ऐसे मजे लेते, अरे रील अच्छी बनेगी ना, ढीले ढीले कपड़े पहनेंगे ना, कच्चा बच्चा, चल बैक पे तो नहीं आ रहा, नहीं चलो बढ़िया, ये मेंस फिजिक खेल रहा हूँ, इसकी बॉडी टाइप कुछ भी हो, तू फिटनेस वाला हो, तेरी बॉडी टाइप कुछ भी हो, मैं ओपन बॉडी बिल्डिंग हूँ, मेरी बॉडी टाइप कुछ भी हो, सबका सेम वर्कआउट, अगर सबका सेम वर्कआउट, सेम वर्कआउट, अभी जो तू वर्कआउट कर रहा है वो वी शेप बॉडी के लिए है, तूने देखा होगा उसमें डेल्ट भी हो रहे हैं, रियर डेल्ट भी हो रहे हैं, कोर हो रही है, लेग्स भी हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग हो रही है, तो वो वी शेप बॉडी के लिए वर्कआउट कर रहा है, लेकिन इसके में क्या था, ये भी वही वर्कआउट कर रहा है, आप भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर भी वही, और बॉडी बिल्डर भी वही कर रहे हैं, तो भैया यहाँ सब छोड़ा ना छोड़ा, मैंने कहा तुझे कई बार तेरा नहीं एक्सरसाइज करनी है, तो मैंने कहा ये मेरी एक्सरसाइज नहीं है, मैंने कह दिया मगर मेरा नहीं है, मैंने भी लिया हुआ है, लेकिन वो अपना बता दे, मैं तेरा कोच हूं, जो उमर के वो दे रखे हैं, हां हां वही, तो बस अब जैसे कल से मेरी टाइमिंग यहां बैठ जाए, मैं कपिल भाई साथ ही कर लेंगे, बस तो कोच हो, अगर मेरा मन कहे मैं कहूं मैं कोचिंग करता हूं भाई, मैं ट्रेनिंग दे दूं राजवीर भाई को, अच्छा ठीक है, पर तुमने अपने उससे नहीं माना दिल से या वैसे, पर मैंने बता दिया सबको भाई मैं मेरे अंदर ट्रेनिंग है, मैं कोचिंग देता हूं भाई को, वो वाला सीन जैसे भाई ने एक दिन की तो मैं कोच बन गया, तो वो धन कर गया एक दिन में, हमने मैं जो 23 साल गांड गिराई घिसाई है अपनी, गांड 23 साल हो गए मुझे कंटिन्यू, हाँ टाइम तो बहुत हो गया भाई को, ठीक है टाइम हो गया, और भाई मैं एक दिन हमारी 2 बजे बात हो रही थी, तो रूबल भाई से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ ये सुन के, कि रूबल भाई ने मुझे बताया कि 23 साल से एक दिन भी वर्कआउट मिस नहीं हुआ, चाहे मैं आधे घंटे के लिए जाऊँ जिम में जरूर जाता हूँ, मैं जाऊँ डेली, बल्कि मैंने जो देखा जो कॉम्पिटिशन लास्ट मेरे साथ किया था भाई ने, उसके बाद फिट रहते थे हमेशा, उस कंपटीशन के बाद
क्या बॉडी में चेंजेस आए, पता नहीं क्या वीक रहने लग गए एकदम से, वरना उससे पहले नहीं देखा भाई मैं, मेरा मन उतर गया ना इससे। हाँ मन उतर गया एकदम से। कुछ मैंने पूछा भी था भाई से, भाई दिक्कत क्या हुई, क्या मन सा नहीं करता या नहीं मन करता वो, क्या डिसबैलेंस हो गया कुछ भी ऐसा। हाँ। होता ना किसी खाने की क्रेविंग हो रही है, हम इतना ज्यादा खा लेते हैं, मैं तो खूब खाऊंगा, तो वो चीज हमें बुरी लग जाती है वो, मतलब मेरा ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक एज के बाद ना बॉडी जब तक आप शौकिया ना कर रहे थे शुरू से तो वो बढ़िया लग रही थी, पैशनेट था, लेकिन अब इसमें घुसे तो मैं एथलीट वाली लाइन में, वहाँ इतनी बॉडी पीट दी, इतना वो सर्टिफिकेट झेल लिया दो बार, फिर ऐसा लगता है चल बाहर मिला, ऊपर से जो प्लेस मिलनी थी वो नहीं मिली, वो गलती कंट्रोवर्सी हो गई। चलो ये बताओ कुछ ना भाई, तो भाई थर्ड वर्कआउट हमारा, बातें ज्यादा मत सुनना हमारी, वेट वेट देखो पहले, आ जा आ जा पीछे चलो। हां ये लो बैक ऐसे खींचते हुए लाना, हां पूरा अच्छा, अब थोड़ा नीचे जाओ, आराम यहां से लेके पूरा ये पोर्शन आराम से, ये होल्ड करने की कोशिश करना, चेस्ट बाहर रखो, तो मुझे पानी तो है? बोर नहीं हो जाते कि भाई यार कुछ वर्कआउट बता दे यार, बहुत हो रहा है। तो मैंने एक मुंबई में एक दोस्त को बोल दिया कि भाई वर्कआउट भेज दे कुछ, उसने वर्कआउट भेज दिया, वो कोच बन गया। अब जैसे मैंने इतने सारे वर्कआउट कराए 15 साल तो मुझे भी हुई गए करते करते, तो बहुत तरह के कर रखे। इस बार मैं जब बोर हुआ ना, मैंने रुगल भाई को बोला, रुगल भाई जो आपने कॉम्पिटिशन क्लियर करी थी ना उस टाइम पे जो वर्कआउट करा था वो मुझे भेज दो, आपने तो ना कहीं एक दिन भी ना, मैं क्यों कहूँगा जब मेरा है ही नहीं वो। वो वर्कआउट है रुगल भाई के इंटरनेशनल कोच जो है उमार उसका, वो पूरी शीट्स में भी मैंने वर्कआउट करवाई हुई थी, आपको दिखाया अभी हो, और अभी 2 दिन पहले भेजा रुगल भाई के, केस कर देना मेरे को। ये जो शीट भेजी हुई है ना पूरी वर्कआउट की है, ये वर्कआउट शेड्यूल है, तो ये चेस्ट ट्राइसेप्स जिम में, और ये दिखा के देखो मैं ट्रेन करता हूँ, बेवकूफ की चीज है, आप क्रेडिट ऊपर वाला थोड़ी दे देगा तुम्हें क्रेडिट। मुझे तो कह रहे बिना रात में पढ़ रही कर रहा हूं उसी के लाइन पर हूं। ये भाई जेनेटिकली कोई चीज अगर आपकी बॉडी में चेंज हो रही है जिसका इलाज नहीं है, हाँ, तो एक्सेप्ट करो और खुश रहो ना यार। सही बात है, हमें क्या दिक्कत हो रही है, अगर मोटे भी होंगे कल को कोई बीमारी ऐसी लगे, मेरे फादर को 91 में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, बढ़िया एथलीट थे, अब उन्होंने उसके बाद वर्कआउट छूट गया नहीं कर पाए, बस एक्स्ट्रा डोज दे दिक्कत दी आपको थोड़ी सी। हाँ कभी लिया नहीं इतना सामान, पहली बार इतना सामान लेने पे हार्मोन से यहाँ से वहाँ, हाँ तो उसी वजह से बॉडी ने फैट पकड़ा इनकी पहली बार, फैट वैट कुछ नहीं है पहले उस टाइम, फैट वैट कुछ नहीं है अब तो, फिर डाइटिंग पे आ गया, सही है। नहीं मैं वेट कर रहा हूँ, साले बच्चों को ना पीट रहा मैं वीडियो में, अंडर 16 खेल रहे हैं दिल्ली लीग में, देख लिया मैंने बच्चे थे सारे, तू भी आ जाइए, हमारे तो बॉल छू भी ना पाएंगे भाई। Bowling. मुझे भी बहुत घमंड था इस बात का जब मैं वहां गया ना शनिवार को खेलने, कि मेरी बॉल तो बहुत तेज आती है, वे रोज खेलने पटक पटक के मारे मेरी बॉल पे, हां रियलिटी है पता नहीं तो तेज नहीं जाएगी इनकी बॉडी के हिसाब से, तो बॉल के चक्कर में केस लग रहे हैं, मेरी बॉलिंग इतनी फास्ट है इसकी बॉल से, इसकी बॉल से यो भाई सुना रन अप लिया, इसने बहुत लंबा रन अप लिया, मगर यार बहुत खतरनाक खेलता था, मैंने कभी खेलता देखा नहीं, बैट तो मारा, बैट तो घुमा लिया इसने पूरी तेज, यो आया भाग के भट्टा तेरी भट्टा भट्टा भी छोड़, मतलब बैट्समैन मारने की एक वो फिल्म नहीं आई थी उसकी सलमान खान की, उसमें वो था ये भाग का पड़ी है मेरे पर रील, वो भाई साहब बहुत तगड़ी बॉल मारेगा करेगा एक्सीडेंट, यहां तक आ गए अब मेरा कंधे में चोट है घूमता ही ना, ये यहां तक आ गए मैंने, वो आई मेरे पास 3 बार मैं कैसे मारूं, मैं तो जेब में धरूं क्या करूं इसका, इसे कैसे करके उल्टी दूं, सही वो तेज झटका नहीं मार, यहीं यहीं होल्ड कर ले लोअर बैक को लॉक कर, बाहर देखियो गाड़ी है कोई, मेरी मेरी वो खड़ी हुई है वहाँ गाड़ी, क्या पैसा मैंने, और 2013 से 2022-23 तक हर साल मैंने 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करा है, अब 2022 के बाद मेरी 6 ही होगी, अरे ना होती यार, अब मैं 21 दिन में पूरा रेडी हो जाऊंगा, 21 दिन में अभी से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नेचुरल करूँ जितनी हो, यहाँ तो नहीं था कोई, रेडी हो जाएगी तो उसका फायदा क्या है, कुछ ना फिर दोबारा वही ट्रांस, अब जैसे कितने बार तुमको 20,000 रुपये बॉडी तो बना ले, बना दूंगा 2 महीने बन जाएगी भाई मैंने, लेकिन एट द एंड जाके वो नहीं है सी, सुन मैंने अभी छोड़ दे डाइट छोड़ दे, बहुत कड़वी बात कहता मैं, लेकिन मैं बालक है, अभी बहुत सारे लड़के मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े घुंघराले बाल और वो वीडियो वगैरह पूरे मस्कुलर होके, इसमें तो एक नाम भी ले दूंगा ईशू ठाकुर भी है, तुम ठाकुर साहब भी है, वे कहाँ से नेचुरल है,
मैं ये गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, मेरे को 23 साल का एक्सपीरियंस होगा, मैं खुद भी हार्ड कोर ट्रेनिंग रनिंग वनिंग सब करा मैंने, लेकिन इतना मस्कुलर नहीं हो सकता तो इंसान है, लिख ले कहाँ है ना, हाँ लेकिन उतनी नहीं है ना, नहीं हो सकती भाई, मैं इतनी सेपरेशन बॉडी में लो फैट डिजिट के साथ 200 केजी की बैंक वो लगाना नेचुरल पॉसिबल नहीं। एक लड़का और देखा मैंने, वो पूरा वेन से भरा हुआ, अच्छा साइज है, हो सकता है वीडियो में ज्यादा दिख रहा हो क्योंकि ये भी वो एंगल यूज हो जाए, और वो पूरा अपने आप को नेटी बता रहा है। तो ये नेटी वेटी कुछ नहीं है भाई, ये मार्केटिंग गिमिक है अपने आप को ऊपर लाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अगर लोग बात करेंगे तो एंगेजमेंट होगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नीचे डीएम आएंगे तो, जैसे एक बहुत सारे लोग साइंस को लेकर वीडियो नहीं बना रहे, तो वो एक मार्केटिंग गिमिक है अपने लिए। हम ओपन है, मैं कह रहा हूँ सामान लेकर नहीं बन रही, नहीं बन तो सब ये भाई अपना काम चला रहे हैं कैसे भी कर रहे, इतना इतना नहीं आया, नहीं नहीं तू क्यों नहीं है भाई, अब नहीं नहीं आएगा, तू क्यों नहीं है, इतना शेडेड नहीं हो, नहीं है इतना शेडेड, हाँ यू करते ही शेड नहीं हो पड़ जाए पूरे, शेड तो नहीं हो, जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ मैं, फेस भी जेनेटिकली आते हैं, एब्स भी जेनेटिकली आते हैं, लेकिन अभी वो शार्पनेस क्यों नहीं, नहीं ये रियलिटी है, शेड नहीं होंगे कभी भाई, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, वो अपने आप को सेल कर रहे हैं और इससे यूथ खराब हो रहा है। हम तो ओपन बोल रहे हैं, हमें गलत बता रहे हैं, बिल्कुल कि हमने लिया हुआ, हाँ, हमने लिया हुआ, हम कम से कम ये कह रहे कि भाई पॉसिबल कहते हैं कि इनसे नहीं होता नेचुरली, इसलिए हाँ ये पॉसिबल है ही नहीं कि लेके बिना लिए बने, तो हम बताए थे भाई लेके बनाई हुई है, परफॉर्मेंस ड्रग लिए तब कम्पीट किया है, बिल्कुल उससे पहले मेरी बॉडी देख ले, इतनी श्रेडिटी नहीं थी, नहीं लेता हमें, और हमने जब लिया भी है ना तो हमने बहुत देख के मायने, तेरी मेरी डोज क्या थी, नॉर्मल थी भाई, भाई अगर तू हमारी डोज देख लेता ना तो कहता तुम कम्पीट ही नहीं कर सकते, बहुत नॉर्मल थी भाई हमारी डोज, मतलब इतने लो डोज में हम खेल गए, वरना बंदों की देखोगे ना ओवर, जिसे ओवर बोलते हैं, ओवर तीन दिन चार चार एवन मार रहे हैं, ये हाल है, दिक्कत क्या होती है गायनो लीवर की, मैंने मैंने टेस्ट करवा के रिपोर्ट घेर दी अगले दिन जब दुबई गया मैं, आया था क्लियर उसमें, उस रिपोर्ट के ऊपर उसने वीडियो बनाई थी, नाम में बोला। तो राजीव ने भाई नया अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, और अरे बहुत हो रही है ठंडा बिजनेस, तो भाई हमारी टीम के लिए ट्रायल हो रही है, एक बॉलर की जरूरत है, फास्ट बॉलर की, हाँ तो एक्शन रेडी, चलो ट्रायल, यू क्या था, हाथ घुमाई बट्टा, पहले ऐसी भी होती है ना भाई, हाथ घुमाई बट्टा, हाथ घुमाई बट्टा, हाथ घुमाई बट्टा, ना मैं पास नहीं है, टीम तो है, टीम तो है, पास नहीं हूं, तेरी टीम का नाम पता क्या रखेंगे, सिसोदिया रेंजर्स, कितना खतरनाक हर बजन का तुम्हारा है ना, ये सारी बात आती है, ये तीखा कटता नाश, अच्छा कोई फेवरेट बॉलर था तेरा पहले, मेरा क्रिकेटर ही कोई फेवरेट नहीं है भाई, भाई को कर ले फेवरेट, आई लाइक विराट कोहली स्टाइल, ओके क्रिकेट में मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं, अब दिलवा देंगे, किस लिए